गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। हाउ आर यू? वी आर फाइन मैम, व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो फाइन। बेटा आज के सेशन में सबसे पहले तो हम जो ग्रामर उसमें पढ़ा रहे थे 15 चैप्टर का जो बचा था आप लोगों का अभ्यास उस पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर ग्रामर पढ़ाएंगे, ठीक है? तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 तक बताया गया था, सभी लोगों ने कंप्लीट कर लिया, कुछ लोगों ने भेजा भी था। क्वेश्चन नंबर 7 इसको आप लोगों ने कंप्लीट किया कि नहीं किया? कितने लोग कंप्लीट किए हो? प्राची, मुस्कान, दो लोग। अभिषेक आपने नहीं कंप्लीट किया बेटा, अनुराग भी कंप्लीट किए हैं, खुशी की है, हाँ अच्छी बात है। चलिए खुशी बताइए, इसमें जो है भालुका तृतीय वचन में क्या रूप होगा इसका, आप बताइए खुशी, क्या राइट की हो आप? आप कंप्लीट की हो तो बुक से देख के बताइए अपने क्या लिखी हो। भलुकेन। हाँ भलुकेन, वेरी गुड, भलुकेन, चलिए हाँ भलुकेन ही है। प्राची आप बताइए उष्ट्रा पंचमी द्विवचन में कौन सा रूप होगा? मैम उष्ट्राभ्याम। उष्ट्राभ्याम, वेरी गुड। चलिए अनुराग आप बताइए हरिणा सप्तमी बहुवचन में क्या अनुसार रूप होगा? हरिणेषु, है ना? चलिए यस मैम। व्याघ्र का मुस्कान द्वितीय वचन में क्या होगा? मैम व्याघ्रम। व्याघ्रम। घोटक राज का अभिषेक यादव संबोधन में क्या होगा? मैम हे घोटक राज। हे घोटक राजा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में है, इसमें जो है चित्र दृष्टवा मंजुषात प्रदानचा प्रवुच्च वाक्यान रचयत, यानी चित्रों में दिया गया, चित्रों को देखकर और जो पद दिए गए हैं उनसे वाक्य बनाएं। तो इसमें आपका जो भी शब्द दिया गया है उसी शब्द से आपका वाक्य मिलाकर बनाना था। जैसे खगा, खगा को आप खगा के लिए कौन सा उपयुक्त शब्द इसमें से आप ढूंढेंगे? आकृति, आकृति आप बताइए बेटा, बुक है आपके पास ना? मैम बुक नहीं है, मामा के घर पे है। अच्छा बुक नहीं है, अनुभव के बाद भी बुक नहीं है। चलिए खुशी आप बताइए, इसी में से शब्द भी ढूंढना है, दोनों उत्तर वाला प्रश्न मतलब दोनों शब्द को मिलाना है। खगा का क्या होगा खुशी? पूजंती। बिकसंत में आप कौन किसको लगाएंगे? बिकसंत में कमलम, कमलानी बिकसंत। चलिए उद्यत शब्द है, इसमें कौन सा शब्द आप मिलान करेंगी वाक बनाने के लिए? अभिषेक यादव आप बताइए। सूर्य, सूर्य उदयते, सूर्य उदयते। चलिए क्रीडंत मुस्कान, मैम बाला क्रीडंत, बाला क्रीडंत, ये आपका कंप्लीट हो गया है ना। चलिए अब हम परिशिष्टम पे आएंगे जो आपका वर्ण विचारा पढ़ना है इसको हम देखेंगे, सब लोग ध्यान दीजिएगा। दिखा बेटा सबको बुक? यस मैम। आप लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा होगा, उसी हिसाब से आपको संस्कृत में भी पढ़ना, वही चीजें हैं।
क्यों हम थोड़ा रिवीजन करवा देते हैं आपको। वरा यानी वर्ण, वर्णों के विचार यानी वर्णमाला पे जो विचार किया जाता है। वर्णा यानी संस्कृत दान 48 वर्णा नाम प्रयोगा बहुत ही संस्कृत में 48 वर्णों का प्रयोग होता है। ते मुख्यतः भाग त्रयन विभक्ता संति, वे मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा अयोगवाह। हिंदी में पढ़े हो ना, वर्णों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। क्यों मुस्कान? स्वर, व्यंजन और अयोगवाह यहाँ दिया भी गया है। स्वर का स्वरा यानी स्वर 13 होते हैं। स्वर के दो भेद किए गए हैं, हास्य स्वरा 5 यानी 5 हास्य स्वर होते हैं। हास्य स्वर क्या है बेटा? जिस स्वरों को बोलने में बहुत कम समय लगता है उसे हास्य स्वर कहते हैं। हास्य स्वर आ ई उ ल ये हो गया। दीर्घ स्वर कितने हैं? 8 हैं। दीर्घ स्वर होता है जिन स्वरों को बोलने में हमें अधिक समय लगता है उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। हास्य स्वर की मात्राओं की गणना हम 1 से करते हैं और दीर्घ स्वर की मात्राओं की गणना हम 2 से करते हैं, ठीक है? क्योंकि इसमें समय ज्यादा लग रहा है। जैसे आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये आपके दीर्घ स्वर हैं 8। अब आया व्यंजन की बारी। व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। देखिए इसमें वर्गीय व्यंजनान जो वर्ग के आधार पर जो व्यंजन बने हुए, वर्ग का मतलब क्या है आप लोग बता पाओगे? कोई वर्ग किसे कहते हैं बेटा? वर्णमाला में वर्ग का प्रयोग किसके किसके लिए किया गया है? कोई बताए? नहीं याद आ रहा है? हमने हिंदी में आपको पढ़ाया था बेटा कि जो वर्ग होते हैं, जैसे स्वर के बाद हम व्यंजन शब्द व्यंजन वर्णों को पढ़ते हैं तो हर वर्ण हमें 5-5 वर्णों का एक समूह है ना, 5-5 वर्णों का एक समूह है। तो उसका जो पहला अक्षर होता है वही वर्ग के नाम से जाना जाता है, उस समूह के नाम से। का खा गा गा अंगा 5 वर्ण है, इसको हम का वर्ग कहेंगे। का वर्ग का एक समूह हो गया। ऐसे चा वर्ग का एक समूह है, टा वर्ग का एक समूह है। इस तरह से जो सामूहिक वर्ण है, वर्गीय व्यंजन जो है यानी समूह वाले वर्ग वाले व्यंजन जो है वे 25 हैं, जिसको 5-5 के समूह में 5 में विभाग बांटा गया है। 5 समूह है, पहले अक्षर सा देख रहे हो, ये आपके 25 हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 25 है ना, का वर्ग में 5 अक्षर, चा वर्ग में है ना, ये आपके 25 हो गए। और कुछ हैं जो अवर्गीय व्यंजन हैं, जो वर्गों में विभाजित नहीं है, ये अलग शब्दों में विभाजित हैं, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ में 4 हैं, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, यारा लावा अंतस्थ है। और उष्म व्यंजन है 4, बड़ा सा, षष्ठी सा, छोटा सा और हा, उष्म व्यंजन है ना। ये हो गया आपका। अयोगवाह 2 है, अनुस्वार और विसर्ग। अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग हम 3 मानते हैं ना, तो यहाँ पर अनुस्वार में अनुनासिक दोनों आ गया है। अनुनासिक और अनुस्वार दोनों को 1 मान लिया गया है और विसर्ग मान लिया गया है, तो अयोगवाह 2। मैम आपका माइक बंद है। स्वर के कितने भेद किए गए हैं बेटा? 2, हास्य स्वर और दीर्घ स्वर।
हार स्वर कितने हैं प्राची? मैम पांच। पांच। और दीर्घ स्वर कितने हैं मैम? आठ। आठ। आकृति आप बताइए, व्यंजन कितने हैं मैम? 33। 33। त्रिविशति। हाँ चलिए, 33 में जो वर्गीय व्यंजन है अनुभव आप बताइए कितने हैं, जो वर्ग के आधार पर व्यंजन है? मैम 25। 25 मैम। 25 कितने अनुराग? रिपीट कर दीजिए। अवर्गीय व्यंजन कितने हैं मैम? आठ। आठ। कौन कौन से? देखिए यहाँ लिखा हुआ सामने मैम, यारा लावा और सा सा सा। पहले कहेंगे आप अंतस्थ व्यंजन, चार अंतस्थ है और चार उष्म है। अंतस्थ में यारा लावा, उष्म व्यंजन में बड़ा सा, षष्ठी सा, छोटा सा और हा। अयोगवाह कितने हैं खुशी? दो। अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार में अनुनासिक भी आ जाता है, अभिसर्ग का प्रयोग हा के स्थान पे होता है। आप लोग सुने हैं जैसे चंद बिंदु वाले शब्द हैं, अंकी मात्रा वाले शब्द हैं, इनको हम अनुस्वार में करते हैं। जो शब्दों के मतलब स्वर वर्ण के अंत में विसर्ग का चिन्ह होता है, वो विसर्ग के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब आइए हम उच्चारण स्थान पे आते हैं, वर्णों के उच्चारण स्थान। यहाँ पे वर्णों के भेद बताया गया, उच्चारण स्थान के आधार पे वर्ण को अलग अलग नाम दिया गया है। उच्चारण स्थान यानी उच्चारण के स्थान पर आते हैं हम। ओड़ा विव्यक्ति प्रदेशा स्थानम कथे, यानी वर्णों के उच्चारण स्थान को वर्ण विव्यक्ति प्रदेश कहा जाता है। शब्द प्रयोग समय काया अग्नि प्रेता वायु कंठा आदि स्थानेश संचरण वर्णात अव्यक्ति, यानी जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा है ना, वायु से प्रेरित होकर कंठ आदि स्थान से संचार करती है, संचार करती हुई हम अव्यक्त करते हैं, अपनी वाणी को बोलते हैं, यानी कई जगह से छूटी हुई वायु जो है हमारे मुख के माध्यम से बाहर निकलती है। यथोक्ति परिणय शिक्षा, ये इसको जो है पाणिनि जो व्याकरण शास्त्री हैं, यानी संस्कृत के व्याकरण के जो है माने गए हैं, व्याकरण शास्त्र के प्रख्याता पाणिनि माने गए हैं। जैसे पाणिनि ने ही संस्कृत का व्याकरण लिखा, व्याकरण शास्त्र, तो उन्होंने कहा भी है आत्मा बुद्धिया समेत अर्थान मनो युक्तेश विवस्या मन काया अग्नि महंती चा प्रेरित मारुता, यानी जब हम हाँ जब हमारी आत्मा बुद्धि के समाहित होने से जो हमारे मन में युक्त विचार होते हैं, वह हमारे वे विचार शरीर की ऊर्जा से प्रेरित होकर वायु के माध्यम से धीमी गति से स्वर का रूप धारण करते हुए बाहर निकलते हैं। अष्टो अष्टानम वर्णानुमरा कंठा शिरस तथा जिह्वा मूलम च दंताश्च नाजको कंठो चा तालुचा। चा का मतलब और है, जहां भी चा लिखा है वहां और है, यानी ये आठों स्थान वर्णों के अनुसार कंठ सिर जिह्वा दांत नाशिक ओठ और तालु है। यहाँ लिखा भी हुआ है इन आठों स्थान का नाम एवं वर्णानम उच्चारण स्थानान अष्टो संत, ये वर्णों का उच्चारण स्थान आठ है। उरा यानी हृदय, कंठ मतलब कंठ, सिरा शिखा, जीवा मूलम जीव, दंता यानी दांत, नसिका यानी नाक, ओष्ठ मतलब ओठ, तालु मतलब तालु। यथा यहाँ पर दिया भी गया है किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं किन किन वर्णों की उत्पत्ति स्थान क्या है। ठीक है, देखिए वर्णा यानी वर्ण
उत्पत्त स्थान, वर्णों की संज्ञा यानी क्या किस नाम से पुकारा जाता है, जो हमारा उच्चारण का स्थान है और जो वर्ण है और उन वर्णों को हम क्या संज्ञा देते हैं, क्या नाम देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए छोटा बड़ा का खा गा घा अंगा हा विसर्ग विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत छोटी चीज लगती है ना, नहीं बड़े बड़े कंपटीशन में चीजें पूछी जाती हैं और लोग भूल जाते हैं, तो इन वर्डों का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। उच्चारण स्थान का मतलब क्या होता है, जब उनका उच्चारण करते हैं बेटा, तो उच्चारण करते समय जो है वायु जो होती है हमारे शरीर की ऊर्जा से जो वायु उत्पन्न होती है वह कंठ से टकराकर बाहर निकलती है, गले से टकराकर, ठीक है। इसीलिए इसको हम इन वर्णों की संज्ञा उत्पत्त के स्थान पे हम क्या देते हैं, कंठ है ना, यानी कंठों से निकलने वाली वर्ण है, इसको हम कंठस्थ, हिंदी में कंठस्थ वर्ण कहते हैं, संस्कृत में इसको कंठ्या कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही छोटी बड़ी चा छा जा जा इंया या अश्या, इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु। इसको हम क्या कहेंगे, तालव्य व्यंजन, तालव्य वर्ण, क्या कहते हैं, तालव्य वर्ण, है ना। ये इसको उच्चारण करते समय हवा जो है तालु से हमारे टकराकर बाहर निकलती है। इसी प्रकार से और भी है, रि लि ट ठ ष्टिश, ये इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा, इसको हम क्या कहते हैं, मूर्धन्य। ऐसे ही लि त थ द ध न, देखिए यहाँ हल चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें से स्वर निकाल दिया गया है। हम केवल व्यंजन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, आप लोग इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, जहां भी हल का चिन्ह लगा हुआ होता है वह वर्ण जो है स्वर विहीन होता है, उसमें से स्वर निकाल दिया गया होता है, तो उसका उच्चारण बहुत ही धीमी गति से करते हैं, ठीक है। तो द ध न ल स दंता, यानी इसका उच्चारण स्थान क्या है, उत्पत्ति का स्थान दंत, यहाँ दांतों से टकराकर हवा बाहर निकल रही है, इसलिए इसको दंत दंत्य कहते हैं, दंत्य वर्ण। इसी प्रकार से छोटा उ बड़ा उ प, प, ब, भ, म, या क्या, इसको जब हम बोलते हैं तो हमारे ओठ आपस में टकराते हैं, दोनों ओठ बोलते हैं ना, प, प, उ, उ, तो दोनों ओठ हमारी टकरा रही है, टकरा उच्चारण स्थान क्या है, इसका ओठ है, इसलिए इसको ओष्ठ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। दूसरा आइए आपका अगला यानी वर्ण का जो पांचवा अक्षर है, जो भी वर्ण का विभाजन किया गया है उस वर्ण का जो पांचवा अक्षर होता है वो अनुस्वार होता है। मेहंदी पढ़ा था आपको, वर्ण का जो है हर वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है बेटा, अनुस्वार होता है, है ना। तो अनुस्वार किसको कहते हैं, अनुस्वार जिसका अंग की मात्रा का प्रयोग होता, जो जिसका उच्चार जब हम करते हैं तो हमारे नाक से हवा बाहर निकलती है, अंगा बोल रहे हैं, देखिए नाक टकरा रही है ना, हवा नाक से टकरा रही है, तो नाक और फिर कंठ दोनों से टकराकर हवा बाहर निकल रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नासिक व्यंजन, ठीक है। अगला आया ए ए ए ए ए ए, जब बोलते हैं कंठ और तालु से टकराती है हवा, ठीक है, उत्पत्त स्थान इसका क्या है, कंठ और तालु, बोलते समय हवा जहां से टकराए स्वर हमारे, टकराकर जो स्वर बाहर निकलता है वही उसका उत्पत्त स्थान होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंठ तालव्य, यानी कंठ और तालु दोनों जगह से स्पर्श होता होती हुई हवा बाहर निकलती है। ओ आओ, अब देखिए ओ आओ जो बोलते हैं तो कंठ भी हमारा हवा और ओठ से भी टकरा रही है, कंठ और ओठ, ओ। आप लोग अपनी उंगलियों को देखिए, कोई भी वर्णों का उच्चार करते समय
आप उसको रिहर्सल करेंगे हो घर पे अपने कई बार बोल के कि आप उसका अंदाजेंगे हाथ रख के कि वास्तव में कंठ से टकरा रही है कि नाक से हवा निकल रही है। आप जब स्पर्श करेंगे, इसको स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है क्योंकि यह किसी न किसी जगह से स्पर्श करते हुए बाहर निकल रही है ना। जो सारे व्यंजन के बारे में पढ़ रहे हैं इसमें किसी स्थान से कंठ तालु मूर्धा दांत ओठ से टकराकर बाहर निकली, इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है इन सभी व्यंजनों को। तो आप इसका जो है अपने आप में प्रयोग करके भी अपनी कंफ्यूजन को दूर कर लेंगे, तभी आपको याद भी हो जाएगी। ठीक है, तो ओ आओ जब बोलते हैं तो कंठ और ओठ दोनों आपस में मिल रहे होते हैं, हवा टकरा रही होती है तो बाहर निकलती है, इसीलिए इसके कंठोस्थ कहते हैं। वाह बोलते हैं वाह, वाह बोलते समय हमारी जीवा जो है वाह, क्या बोल रहे हैं वाह वाह, तो थोड़ा सा दांत और ओठ से छुआ जा रहा है, वाह छू रही थी जीवा, तो इसलिए दंत ओष्ठ करते हैं इसे, दांत और ओठों को छू कर आवाज बाहर निकल रही है। अनुस्वार अभी हमने पढ़ाया, अनुस्वार यानी नासिका, अनुस्वार का प्रयोग जब हम करते हैं, अनुस्वार वर्ड क्या है अंग अह, अह को विसर्ग में आते अंग को अनुस्वार में रखते हैं। ठीक है, अंग की मात्रा वाले जो शब्द होते हैं, वर्ण का पांचवा अक्षर अनुस्वार होता है और स्वर में अंग जो होता है उसको अनुस्वार माना गया है। यहाँ स्वर को जो है देखिए अंक वाले स्वर को इसमें नहीं रखा गया है स्वर में, इसको हम क्या मानते हैं व्यंजन मानते हैं, देख रहे हो ना, जो स्वर को 11 मांगना गया है इसमें से अंग और आह निकाल दिया गया है। कभी भी आप जब स्वर के मतलब भेद को पढ़ेंगे या स्वर कितने होते हैं तो आप ये मत कह दीजिएगा आ से आह तक के स्वर माने गए हैं। ठीक है, अगर ऐसा कहेंगे तो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि अंग और आह को व्यंजन वर्ण में रखा गया है, अनुस्वार और विसर्ग अंग को अनुस्वार में रखा गया है और आहा आहा हा का उच्चारण हो रहा अंत में इसलिए इसे विसर्ग कर दिया गया है। समझ में आ रहा है ना बेटा? यस मैम। यस मैम। देखिए जो लोग क्लास मिस कर रहे हैं वो लोग बहुत बड़ी चीज अपना खो रहे हैं न पढ़ के। इतना तो आपके समझ में आ गया होगा? Yes, ma'am. अगला पेज भी दोहरा दें हम कि अगले दिन पढ़ाएंगे, आप लोग जैसा चाहें। कारक के बारे में पढ़ना है, आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा भी है, थोड़ा सा हम दोहरा देंगे, आप लोग को याद है सारी चीजें, केवल संस्कृत में केवल करना है। जैसे हमने हिंदी में यहाँ कारक का परिचय, देखिए हमने हिंदी में 8 कारक पढ़ा था है ना, कारक के 8 भेद माने थे, लेकिन संस्कृत में ही होता है संबंध और विस्म्याद बोधक, दो चीजों को नहीं रखा गया है इसका प्रयोग, बल्कि बाकी जो 6 हैं वही कारक माने गए हैं संस्कृत में। ठीक है, तो सामान्य परिचय दिया गया है, ध्यान देंगे। सामान्य षष्ठ कार्यकार भवन्ति, यानी सामान्य रूप से 6 कारक होती हैं, यथा मतलब जैसा कि कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथेव च अपादान अधिकरणम इतिवाहु कार्यकार खष्टा षष्ठा, यानी कर्ता कर्म और करण संप्रदान और अपादान अधिकरण करण, यही जो है आपका 6 कारक है। यहाँ कर्तुकारकम यानी कर्ता कारक, कर्मकारकम यानी कर्म कारक, करण कारकम यानी करण कारक, संप्रदान कारकम यानी संप्रदान कारक, अपादान कारकम यानी अपादान कारक, अधिकरण कारकम यानी अधिकरण कारक, सेम वही है आपका, केवल संस्कृत में लिखा गया है, आपकी परिभाषा भी वही है केवल यहाँ संस्कृत में दे दी गई है। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा था याद किया था उसी चीज को आपको संस्कृत में याद कर लेना है, केवल संस्कृत में लिखा गया है वही चीजें। जैसे देखिए कृतिकारकम यानी स्वतंत्र कर्ता, इसका
दिया गया है स्वतंत्र कर्ता, यानी क्रियाएं चा स्वतंत्र प्रधानो वा भवति सहकर्ता, यानी क्रिया के में जो स्वतंत्र रूप से प्रधान होता है वह कर्ता होता है, यानी वाक में क्रिया को करने वाला जो प्रधान होता है उसी को कर्ता कहते हैं। यथा यानी जैसा रामा ग्रामम गच्छत, जैसे राम गांव जाता है, जिसमें अथ गमन क्रिया है राम स्वतंत्र वर्तते, यहाँ पर जाने की क्रिया में राम स्वतंत्र है, यानी राम द्वारा ये क्रिया की गई है ना जाने का, अतः सा कर्तु कारकम अस्त, इसलिए वह कर्ता कारक है। वाक्य मुख्य कर्तार प्रथमा गौड़े कर्तार च तृतीया विभक्ति भवति, यथा वाक्य में अगर कर्ता मुख्य प्रथम स्थान पे है तो प्रथमा विभक्ति, अगर जैसे राम जाता है तो राम यहाँ मुख्य है, राम के द्वारा जाने का काम हुआ तो राम कर्ता कारक है। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, ने होता है ना, कभी कभी क्या होता है ने छिपा होता है, वर्तमान वाली जो कर्ता होते हैं कारक उसका चिन्ह छिपा हुआ होता है, आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा था ना, वही नियम यहाँ भी लागू होता है। और लेकिन जब हम कर्ता गौर रूप में प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर तृतीया विभक्त हो जाती है। तृतीया विभक्त किसको कहते हैं, देखिए यहाँ पर रामे राम ग्रामम गच्छत, तो यहाँ प्रथमा विभक्त का प्रयोग हो गया, और रामेर ग्रामम गच्छति गमयते, रामेर ग्राम राम के द्वारा गांव जाया गया है ना, तो यहाँ पर गौड़ स्थान पे राम आ गए, तो अब यहाँ तृतीया विभक्त का प्रयोग होता है जब वो आख्य बनाएंगे तो, ठीक है, बस इतना ही अंतर होगा। कर्म कारणम कर्तुरी कर्तुरी तत्तम कर्मा, यानी कर्ता शक्रियाम यथा यम अर्थम अतिशयेन प्राप्तुम इच्छति ततः कर्म भवत, यानी जो कर्ता होता है कर्ता की शक्रिया यानी अपने क्रिया का जो अर्थम अतिशयेन प्राप्तुम इच्छति, यानी उसका जो प्राप्त करने की इच्छा है जिस पे, यानी फल जो होता है कर्ता की क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह क्या होता है, कर्म कारक होता है। जैसे बालका विद्यालयम गच्छति, बालक विद्यालय जाता है, तो यहाँ पर अत्र वाक्य बालका कर्ता भवत, समझ में आएगा कर्ता क्या है, काम को करने वाला, तो इस वाक्य में बालक कर्ता है और गमन क्रिया यानी उसके जाने की क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, विद्यालय पर, कहाँ जा रहा है, विद्यालय जा रहा है ना, कहाँ लगा दी तो विद्यालय गया, इसीलिए तस्य इतस्ततम वर्तते या इसका कर्म है, अतः विद्यालय इत कर्मकार का, यानी कर्ता का फल जिस पर पड़े वही कर्म होता है। कर्मेण तृतीया विभक्तिम, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म वाच्य मुख्य च प्रथमा विभक्ति भवत, यथा कर्म वाच्य जब होता है, आप लोगों ने वाच्य में पढ़ा होगा कर्मवाच कृतवाच और भाववाच, याद आ रहा है ना सबको बेटा, जो बेटे जो बच्चे पढ़े हैं ध्यान से वो सारा समझ रहे हैं, है ना, कर्मवाच कृतवाच कृतवाच और भाववाच, तो जो वाच्य होते हैं वाच का जब हम प्रयोग करते हैं तब मुख्य वाच्य में प्रथमा विभक्त होती है। बालका विद्यालय गच्छति, बालकेन विद्यालय से बालक विद्यालय जाते हैं, और बालकेन विद्यालय से बालकों द्वारा विद्यालय जाया जाता है ना। करणम कारकम साधकम करणम, यानी साधन का फल देने वाला करण कारक होता है। क्रिया सिद्धो यति अतिशयेन सहायक भवति, यानी क्रिया के सिद्धि में जो अत्य रूप से सहायक होता है, तथा करणम भवत वह करण होता है। जैसे यथा मतलब जैसे श्याम कमलेन खिलंती,
श्यामा कमलेन खिलत, श्यामा मतलब काला कमले कलमेन लिखत, देखो गलत बोले, श्यामा कमलेन लिखत, श्याम कलम से लिखता है, अत्र कर्तु श्यामस्य लेखन क्रियायां कलमा, यहाँ पर कर्ता श्याम है और लेखन की क्रिया उसकी कलम है, अति सहायक जो लिखने में सहायता करने वाली हो कलम है, अतः कलम इति करणकार का भवत, अतः यहाँ पर कलम जो है करण कारक है, करणेर तृतीया विभक्त भवत, करणकार में कौन सी विभक्त होती है, तृतीया, तृतीया विभक्त का चिन्ह क्या है बेटा, मुस्कान मन से और द्वारा है ना, यानी यहाँ संप्रदान है कर्मणा यम अभिप्रेरित च संप्रदान, कर्ता दान क्रियाए च संबुद्धि इति तत् संप्रदान भवति, यानी कर्ता की क्रिया का जो किया जा रहा है उसका जो है संबंध रखने वाला संप्रदान कारक होता है, जैसे देवदत्ता भिक्षुकाय भिक्षा ददात, यानी देवदत्त ने भिक्षुकाय यानी भिखारी को भिक्षा दिया, अतः कर्ता देवदत्ता दान क्रिया भिक्षम, दान की क्रिया क्या है भिक्षा देना, अप्रेरित यानी दान की क्रिया से प्रेरित होकर वह भिक्षुक को भिक्षा दे रहा है, तो संबंध इसका दिखाया जा रहा है ना, तो कि जिसकी किसके लिए की जा रही है भिक्षा देने की काम, भिखारी के लिए है ना, तो यहाँ पर ये संप्रदान कारक है, तथा विभिक्षुक पदम संप्रदान कारकम, संप्रदाने चतुर्थी विभक्त भवत, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्त होता है के लिए इसका चिन्ह होता है, अपादानम अपादान कारकम, ध्रुव पायन अपादानम, अपाय मने विभागे यत्र मतलब ध्रुवम मने अवधि पूर्व भूतम तत् अपादानम भवत, यथा विच्छाद फलम पतत, कहने का मतलब यह है शब्द के जिस रूप से हम क्रिया जो भी क्रिया का अलग हो रहा है यानी क्रिया का अलग होना पाए उसे हम संप्रदान कार अपाय विभागे अलग हो रहा है ना, वो अलग होने के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग होता है, यथा विच्छाद फलम पतन यानी वृक्ष से पत्ते फल गिरते हैं, अतः फलस विभाग विच्छाद भवत, फलक फल का भाग वृक्ष से अलग हो रहा है, अतः वृक्ष ध्रुव है, ध्रुव मतलब जो सत्य है अटल है, इति अपादान कारकम, वृक्ष नहीं अलग हो सकता, वृक्ष से फल अलग होगा पत्ते अलग होंगे है ना, ध्रुव का मतलब होता है सत्य है अटल होना होता है कि जो अटल है और उससे जो अलग हो रहा है, तो यहाँ पर वृक्ष से उसका फल अलग हो रहा है, अपादाने पंचमी विभक्त होता है, अपादान कारण में पंचमी विभक्त होता है, यानी से इसका अर्थ है अलगाव के अर्थ में, ऐसे ही आपका अधिकरण कारकम है आधारो अधिकरण कर अधिकरण, यानी शब्द के जिस रूप से यानी अधोरात अधिकरणम कृत कर्माण निष्ठाम क्रियाम आधारभूत यतः वर्तते तथा अधिकरण भवत, यानी शब्द के जिस रूप में कर्ता की क्रिया यानी कर्म जो है निष्ठा पूर्वक का बोध होता है, घटित होने का बोध होता है क्रिया का, वहां पर अधिकरण कारक होता है, जैसे विद्यालय छात्रा पठन पढ़ने की क्रिया हो रही है, कहाँ पर हो रही है, छात्रों द्वारा किससे हो रही है, छात्रों द्वारा छात्रा द्वारा हो रही है, कहाँ हो रही है, तो विद्यालय पे हो रही है ना, तो विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं, पढ़ने की क्रिया करने वाला कर्ता छात्र है, क्रिया इसका पढ़ना हुआ, और क्रिया कहाँ पर संपन्न की जा रही है, विद्यालय में की जा रही है ना, अतः कर्तु पठन क्रियाएं आधारा विद्यालय, अतः यहाँ पर कर्ता की पढ़ने की क्रिया का आधार विद्यालय है, अधिकरण कारकम, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक है, अधिकरण कारणे सप्तमी विभक्त भवत, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होता है, ठीक है।
इसके अलावा ये सारे जो दिया गया है इसका अर्थ आप लोग याद कर लीजिएगा। उपपद विभक्ति, यहाँ पर जो है किसका क्या निकल रहा है, कहाँ पर इस शब्दों के क्या अर्थ है और इसमें क्या विभक्त का प्रयोग किया गया। पदम आश्रित विभक्त उपदाना विभक्ति, यानी जो पदों पे आश्रित विभक्तियां हैं इसको यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा, पढ़ के याद कर लीजिएगा। जैसे उभयता, हम कहते हैं दोनों तरफ, हिंदी में जब दोनों तरफ कहते हैं तो संस्कृत में उभयता कहा जाता है, यहाँ पर द्वितीय विभक्त होती है। वाक्य बनाया गया है नदी उभयता वृक्षाम संत, यानी नदी के दोनों किनारे वृक्ष हैं, है ना, वाक प्रयोग किया गया है, विभक्तियों का प्रयोग करके वाक बनाया गया है। हिंदी का संस्कृत का हिंदी में अर्थ बताया गया है, कौन सा विभक्त बताया गया है और विभक्त द्वारा वाक प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो सभी को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ध्यान से पढ़ के याद कर लीजिएगा। समझ में आई? चलिए बेटा, अब समय भी समाप्त होने वाला है, तो आप लोग जितना पढ़े इसको याद कर लीजिएगा। वाक बनाने धीरे धीरे करके हर कारक के ऊपर वाक बनाइएगा, और जो है आप जो वर्णमाला वाला पढ़ाए थे उसमें वर्णों का उच्चारण स्थान को रिहर्सल के द्वारा आप लोग समझ लीजिएगा। जब तक आप खुद अपने आप रिहर्सल नहीं करेंगे स्वर का उच्चारण स्थान को अपने हाथ से टच करके, तब तक आपको सही रूप में याद नहीं हो पाएगा। ये सारी क्रिया आप कर लीजिए, क्योंकि आप लोग ऐसे पहुंच गए हो तो आपको ये सब चीजें जो है एकदम से आनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिएगा, आज लिखित वर्ग कुछ नहीं है, इसको कर लीजिएगा। फिर आपको और भी क्लासेस देखनी होंगी, नया सिलेबस लीजिए, नया सिलेबस चालू हो।